शिवम, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। मैं तो तुम्हें कब से कह रही थी कि तुम अपने मॉम डैड से मिला, कुछ चेंज लगेगा, अच्छा लगेगा। अरे हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, पता है? विश्वास। कहने को तो बहुत छोटा सा शब्द है, पर अपने आप में काफी गहरा और विशाल है। और उसी विश्वास के साथ मैं ये तुम्हें बांध रही हूँ। पता है शिवम, पिछले एक साल से मैं ये हमेशा महसूस कर रही हूँ कि तुम बहुत परेशान से रहते हो। जरूर कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, मगर हर बार पूछने पर तुम मुझे कुछ बताते नहीं हो। बट मेरा विश्वास है आज से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सिद्धि, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, और तुमने ये मेरे हाथ में जो बांधा है वो भी मेरी अच्छाई के लिए। तुम्हारे विश्वास का सम्मान करता हूँ, और तुम्हारे इस विश्वास के लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहता हूँ। अगर मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ ना, तो तुम मुझे अपनी सारी परेशानियां क्यों नहीं बताते? ऐसी कोई बात नहीं है सिद्धि, मैं बताऊं तो बताऊं क्या? सिद्धि, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरी परेशानी क्या है? कैसे बताऊं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है? अंदर उठ रहे तूफानों के बारे में कैसे बताऊं? कैसे बताऊं कि मैं कायर हूं, डरपोक हूं? मैं आज तक अपनी जिंदगी की वो मनहूस रात कभी नहीं भूल पाया हूं, और ना ही कभी भूल पाऊंगा। एक साल पहले एक पार्टी से रात को काफी ड्रिंक करने के बाद अपने घर लौट रहा था, तो मैंने रोड पर एक लड़की को जिंदगी और मौत के बीच लड़ते देखा। उस लड़की को मदद की जरूरत थी, पर मैं कायरों की तरह वहां से भाग गया वहां से। अगर मैं चाहता तो उस लड़की की मदद कर सकता था, पर पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हुआ। पर मैं उसे वही तड़पता छोड़ वापस आ गया। मुझे बस इसी बात का गिल्ट है, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। वो शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, और जब मेरा नशा टूटा तो मैं भी अंदर से पूरा टूट चुका था, और आज तक मैं अंदर ही अंदर टूटता आ रहा हूं। हर वक्त उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने नजर आता है। मैं अपने आप को कोसता रहता हूं कि उस रोज मैं उसे बचा सकता था।
Thank you.
एक्चुअली मैं 9B में अपने बड़े पापा के पास आई हूँ। आई मीन आपके नेबर है ना सोहम जी, उनके यहाँ आई हूँ, जस्ट अभी अभी पहुँची हूँ। वो बड़े पापा के साथ फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने बोला है कि उनके फ्लैट की चाबी 8B में रखी है। आपका नाम शिवम ही है ना? हाँ मैम। हमारे फ्लैट की चाबी आपके पास होगी। I'm sorry, एक मिनट देता हूँ। जी। थैंक यू। मेरे दिल की अथाह गहराइयों में पछतावा, फर्ज निभाने से मुंह मोड़ने का दुख और अपनी गलती का एहसास इस हद तक कि कुदरत का तमाशा यूं नजर आया, रोशनी ऐसी फैली कि अंधेरों और मायूसी की घटा खत्म हो गई। मैं बस जी रहा था, पर अब जिंदगी जीऊंगा।